दोस्तों मैं विकास कोहली यूट्यूब पे लेके आऊँ टेनिस के रिगार्डिंग पोस्ट मैच एनालिसिस पर वीडियो। दोस्तों जो इस बार वीडियो लेके आया वो ATP रैंक नंबर 1 प्लेयर नोवाक जोकोविच के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। नोवाक जोकोविच रोम ओपन से काफी शानदार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका शुरू वाला साल अच्छा नहीं गया था। जब ऑस्ट्रेलियन ओपन में वो नहीं खेल पाए थे, उसके बाद वो मियामी ओपन में भी नहीं खेल पाए, और साथ में जो सनशाइन डबल है जिसे जिस जहाँ पे उनके दो मैचेस होने थे, दो ग्रैंड स्लैम मास्टर्स होने थे, वहाँ दोनों जगह नहीं खेल पाए थे, और इस बार वो वापसी कर चुके हैं। और रोम ओपन में जो शानदार विक्ट्री हासिल की थी, वैसे ही विक्ट्रीज वो हासिल करे जा रहे हैं, और वो फोर्थ राउंड में प्रवेश कर चुके हैं। जो अभी मैच लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ थर्ड राउंड का मैच, और थर्ड राउंड में जो उनका मैच था वो प्लेयर उनसे पहले भी खेल चुके हैं, ग्रैंड स्लैम में भी खेल चुके हैं और अदर मैचेस में भी खेल चुके हैं। पिछला तो रोम में खेला था और उससे पहले वो खेल चुके हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में और रोलैंड गैरोस में। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अलजेस ब्रिटेन की। अलजेस ब्रिटेन ATP रैंक नंबर 195 प्लेयर है, और प्लेयर अच्छे हैं बट जोकोविच ने एक ना चलने दी। एडेन की काफ़ी शानदार प्रदर्शन बताया, विद इन 3 स्ट्रेट सेट्स अपना रूल किया। दोस्तों अब उनका मैच होगा ग्रिगोर डिमिट्रोव से या डाइजो श्वार्ट्समैन से। दोस्तों डिमिट्रोव हार दिया है, डाइजो जीत गया, अब उनका मैच होगा डाइजो से क्वार्टर फाइनल में। दोस्तों बढ़ते हैं पोस्ट मैच एनालिसिस के ऊपर। उससे पहले एक बार फिर से यही बता देना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लें, ताकि सारी की सारी दोस्तों आपको अपडेट्स मिल सके। अब बढ़ते हैं वीडियो के पोस्ट मैच एनालिसिस के पहले सेट की ओर। पहले सेट में तो शुरू में तो सारी अपनी अपनी गेम पे होल्ड रखे थे। जब दो दो हुआ या उसके पास एक अपोनेंट के पास जोकोविच के अपोनेंट के पास एडेन के पास काफ़ी अच्छा मोटा था उनकी सर्विस ब्रेक करने का, बट वो सर्विस ब्रेक नहीं कर पाए। उनके पास काफ़ी ब्रेक पॉइंट से 3 ब्रेक पॉइंट से, बट वो तीनों के तीनों ब्रेक पॉइंट नोवाक जोकोविच ने सेव किए, वो अपनी सर्व पे होल्ड रखा और उसके बाद उन्होंने सर्विस भी ब्रेक की। जैसी सर्विस ब्रेक की अपनी गेम पे होल्ड रखते रहे और पहला सेट जीता 6-3 से। अगर एडेन वो ब्रेक पॉइंट कन्वर्ट कर देते तो क्या पता वो ज़्यादा अच्छी रिदम में आ पाते, बट नोवाक जोकोविच तो हमें पता है कि वो हर बार सेव कर लेते हैं और वो बढ़िया प्रदर्शन बताते हैं, और वैसे ही फिर से ग्रैंड स्लैम में बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ पहला सेट कब्जा किया। 6-4 भी नहीं होने दिया, 6-3 से ही कब्जा किया था। और सेकंड सेट की ओर जैसे ही बढ़े 1-1, तो उसके बाद जोकोविच ने 8 सर्व तोड़ दी, 2-1 से लीड किया। जब हो रहा था 5-2, उसके बाद एक बार सर्विस और ब्रेक कर दी जोकोविच ने और 6-2 से सेकंड सेट भी जीत लिया। काफ़ी शानदार प्रदर्शन रखा नोवाक जोकोविच ने। पहले जोकोविच धीरे धीरे मैचेस में और ज़्यादा बढ़िया निखार लाते जा रहे हैं। जोकोविच ने थर्ड सेट भी कंफर्टेबली जीता अच्छा प्रदर्शन करके। इस बार भी उन्होंने एडेन की सर्विस ब्रेक की, सेट जीता, मैच जीता, नेट सर्व में प्रवेश किया। उनका मैच हो रहा डाइजो से, तो डाइजो भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। उन्होंने डिमिट्रोव को विद इन 3 स्ट्रेट सेट्स में हराया, तो अगर ऐसी फॉर्म वो रहते हैं तो जोकोविच को वो टक्कर दे सकते हैं। दूसरी ओर जोकोविच लग रहा है कि वो ग्रैंड स्लैम को लेके ही मानेंगे, वो चाहेंगे कि पहले आदमी बन जाए जो ट्रिपल ग्रैंड स्लैम का मतलब जो तीनों ग्रैंड स्लैम 3-3 बार जरूर जीता हो अपनी ज़िंदगी में। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन वो 9 बार जीते हैं, विंबलडन ओपन भी वो 5-6 बार जीत चुके हैं, US ओपन भी जीते हैं वो 3 बार कम से कम, तो और रोलैंड गैरोस भी हो जाएगा, पिछली बार 2 बार था, अगर इस बार जीत जाते तो 3 बार हो जाएगा। वो पहले मैन बने थे 2 बार भी हासिल करने के, और उसके बाद नदाल ने उन्हें वापसी कम्पीट कर लिया था, तो नदाल भी इस राउंड में, तो कुछ भी हो सकता। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या और अपनी राय ज़रूर दें। अब उसके बाद स्टैट्स पे ऊपर नजर डाले तो स्टैट्स देखा जाए, एसीज नोवाक जोकोविच ने काफी लिए, 9 एसीज लिए, और दूसरी ओर उनका पोजिशन एडेन ने काफी सिर्फ 4 ही एसीज लिए, और डबल फॉल भी सिर्फ 1 किया जोको ने, और वो चाहेंगे कि अगली बार वो डबल फॉल ना ही करे। और दूसरी ओर डबल फॉल 2 डबल फॉल्ट हुए, ब्रेक पॉइंट 1 आया और 8 सेव किया नोवाक जोकोविच ने, और दूसरी ओर ब्रेक पॉइंट 11 आए, 11 में से वो 6 ही सेव कर पाए, और नोवाक जोकोविच ने 5 ब्रेक पॉइंट कन्वर्ट किए। और दूसरी ओर देखा जाए एडेन के पास 1 ही ब्रेक पॉइंट आया और वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। अगली बार वो चाहेंगे कि ब्रेक पॉइंट कन्वर्ट करें ताकि वो मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। दोस्तों हम तो चाहेंगे एडेन भी और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस लाए और विद इन टॉप ATP 100 रैंकिंग्स में आए। दोस्तों जोकोविच के बारे में आपको क्या लगता है कि क्या होगा? वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ढेर सारा प्यार देते रहें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।